Hi guys, my name is Shashank Jain. Welcome to my channel Woodofa. Do you want to add desi drama to your house? Ji haan, kya aap Indian desi drama apne ghar mein add karna chahte hain? Today I am gonna share styles which will complement that. Yes, आज मैं बोहेमियन स्टाइल के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि आपके घर को एक देसी ड्रामा लुक, एक बॉलीवुड स्टाइल मूवी हाउस बना देगा. बिफोर आई गो डीप इन टू इट, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल येट, हिट द सब्सक्राइब बटन बिलो. अगर आप वो नहीं करोगे मैं वीडियोज बनाना बंद कर दूंगा. इफ यू वॉन्ट मी टू मेक मोर वीडियोज, यू वॉन्ट मी टू मोटिवेट योर सेल्फ माई सेल्फ, मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन आइकन ऑल्सो. सो गाइज, अब हम बोहेमियन स्टाइल के बारे में बात करने वाले हैं. बोहेमियन स्टाइल इज़ अ वेरी पॉपुलर एंड ट्रेंडिंग स्टाइल. सो ऑल द इंस्टाग्राम फोटोज फीड्स आर बस्ड विद इट. जब आप एक घर में बहुत सारे कलर्स, बहुत सारा टाइप का फर्नीचर, बहुत सारे एक्सेसरीज को डाल देते हो, उसको बोहेमियन स्टाइल बोलते हैं. मैं इसको इंडियन देसी ड्रामा बोलता हूँ. सो आई फील इफ यू वॉन्ट टू एड दैट ड्रामा, यू हैव टू कलेक्ट द पीसेज विच यू हैव ट्रैवल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड और मे बी अक्रॉस इंडिया. पूरी इंडिया से घूम घूम के जो आपने इकट्ठा करा है अपने घर में, उसको डाल दीजिए और वो बोहेमियन स्टाइल बन जाएगा. चाहे वो फैंसी फ्लोर रग हो, या एक मे बी विक्टोरियन पेंटिंग हो, या मे बी एक मल्टी कलर्ड सोफा हो, या बहुत सारे कलर्स हों, ये सब कलर्स का पार्ट का कॉम्बिनेशन हमारा बोहेमियन स्टाइल बोला जाता है. एक्साइटेड गाइस, डू यू नो दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट स्टाइल आउट ऑफ फाइव. मुझे बहुत पसंद है. समहाउ इंडियन पीपल डू नॉट टू इम्बाइब विद इट, बट आई फील दिस इज अ वेरी नाइस इंटीरियर स्टाइल. यू कैन श्योरली हैव दैट इन वन ऑफ योर रूम्स फॉर श्योर, अगर घर में नहीं करना चाहते तो. सो वन ऑफ द की एलिमेंट ऑफ बोहेमियन स्टाइल इज मिक्सिंग. सो आपको बहुत सारे स्टाइल्स, बहुत सारे कलर्स को मिक्स करना है और उसको लेयर करना है एक दूसरे के साथ, वो बोहेमियन स्टाइल बन जाएगा. अनलाइक कंटेम्प्रेरी, अनलाइक मॉडर्न, अनलाइक ट्रेडिशनल जो कि क्लियर टोन्स में चलते हैं, बोहेमियन के अंदर सब कुछ होता है. अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है अपने घर में बनाने को, आप बोहेमियन बना दीजिए, अच्छा लगेगा. सो द टिप इज हैव टू मेनी कलर्स, टू मेनी लेयर्स विद इन दैट सेम स्पेस एंड दैट कैन बी कॉल्ड एज बोहेमियन स्टाइल. जैसा कि मैंने कहा, बोहेमियन स्टाइल्स में कोई लुक नहीं होता, कोई पर्टिकुलर टोन नहीं होती. इसका मतलब है आप काफ़ी कुछ यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर के बाजू वाली मार्केट में गए और आपको कोई पेंटिंग समझ में आ गई, आपको कोई रग समझ में आ गया, आपको नहीं पता ये मॉडर्न है, आपको नहीं पता ये ट्रेडिशनल है, पिक कर लीजिए, उसको उठा के एक दीवार पे डाल दीजिए. हैव अ बोल्ड कलर मे बी एट द बैक ऑफ द वॉल. सो व्हाट यू कैन डू इज ग्रीन, रेड, पर्पल, मरून्स, दीज आर सो मेनी बोल्ड कलर्स विच कैन यूज इन योर हाउस. सारे एक साथ मत यूज़ कर देना, मे बी एक रूम में एक कलर की प्रायोरिटी रखना, लिविंग रूम में एक कलर की प्रायोरिटी रखना विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग बोल्ड कलर, एंड लेट अदर्स बी न्यूट्रल, लेट अदर्स बी सिंपल. तो इसको आप रीमिक्सिंग के शेप में यूज़ कर सकते हैं एंड दैट विल गिव यू वेरी गुड लुक. सो फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक ट्रेडिशनल सोफ़ा है कार्विंग वाला, ठीक है, एक मॉडर्न पेंटिंग है, और आपको लगता है कि मैं इन दोनों को फ्यूज़ कैसे करूँ. बिल्कुल फ्यूज़ कर सकते हो. ट्रेडिशनल सोफे को डालो, पीछे एक बोल्ड को कलर डालो, मे बी पुट अप अ ब्लू कलर, पुट अप अ ग्रे कलर, पुट अप अ ग्रीन कलर, एंड आगे वुडन के टोन का सोफा रहने दो. आप जो इस सोफे के ऊपर कवर डालोगे ये मल्टी कलर डाल देना, या ये कुशन जो डालोगे ये मल्टी कलर डाल देना. बेस सोफे का मे बी क्रीम या बेज रख दीजिएगा एंड ऐड मोर मल्टी कलर कुशंस, मोर मल्टी कलर पैटर्न्स, और मे बी अ प्रिंटेड चेयर, और मे बी अ प्रिंटेड काउंट चेयर. यू कैन डू दैट, मल्टी कलर्स, एंड ऑटोमेटिकली पूरा घर एक बोहेमियन फील का बन जाएगा. मिरर्स एंड लाइटिंग प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो ज़रूरी नहीं है मॉडर्न मिरर्स रखें, मे बी मेटल आर्ट काइंड ऑफ मिरर्स रख सकते हैं, या फिर मिरर्स के अंदर मे बी कुछ मॉडर्न एलिमेंट्स को डाल सकते हैं, एक ब्लैक फ्रेम को डाल सकते हैं. आप वो अपने घर के किसी किसी कॉर्नर्स में लगा सकते हैं, मे बी अबव योर स्टडी टेबल, मे बी इन योर ड्रेसिंग रूम, मे बी इन योर लिविंग रूम, मे बी इन योर एंट्रेंस. यू कैन यूज दोज कलर्स, दोज पैटर्न्स, दोज मिरर्स, एंड देन द लाइटिंग. सो लाइटिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बोहेमियन. अनलाइक मॉडर्न, आपको स्ट्रेट लाइन लाइट्स नहीं लेनी, आपको मोरक्कन लाइट्स, आपको
अफगानी लाइट्स, आपको यूरोपियन लाइट्स लेनी है, ये मत सोचना बहुत हैवी वर्ड्स हैं क्या होता है, बहुत सिंपल है। जो हमारे इंडिया की बेसिक देसी लाइट्स होती है ना, मे बी जो मुरादाबाद में बनती हैं, मेटल की लाइट्स होती हैं, मे बी जिसके अंदर टू मेनी पीसेस लगे होते हैं, मे बी क्रिस्टल्स लगे होते हैं, पुराने मोरक्कन टाइप की लाइटें होती हैं, उनको आप यूज़ कर लेना। मैं पिक्चर्स में कुछ दिखा रहा हूँ यहाँ पर आपको, कि थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा। सो यू कैन यूज़ दीज काइंड ऑफ लाइटिंग एंड मिरर्स टू मेक इट अ मोर बोहेमियन लुक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर नहीं आ रहा तो बता दीजिएगा, अगली बार वीडियो में मैं और अच्छे से समझाऊंगा। अगर आ रहा है तो प्लीज़ अप्रिशिएट मी, आई विल बी सो हैप्पी अबाउट इट, थैंक यू सो मच गाइज। ये मेरा फेवरेट पॉइंट है बोहेमियन के अंदर, हैंडमेड मटेरियल्स। जब हम छोटे थे तो हमें याद है हमारे नानी, हमारे दादी, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स और मे बी हमारे पेरेंट्स, दे यूज़ टू डू लॉट ऑफ स्टिचिंग। सो कभी वो कारपेट बना रहे होते थे, कभी वो हमारे लिए स्वेटर्स सिल रहे होते थे, कभी वो हमारे लिए कुछ और कर रहे होते थे। तो वो सारे एलिमेंट्स आप यूज़ कर सकते हैं अपने घर में। यस, आई एम नॉट मैड, आई एम गिविंग यू अ वेरी गुड टिप। तो आपके पुराना, जो पुराना रग है किसी ने आपके घर पे बनाया होगा, उसको निकाल दीजिए और दीवार पे लगा दीजिए, मे बी बेड के ऊपर लगा दीजिए, पेंटिंग की ज़रूरत ही नहीं है, वही अपने आप में एक अच्छा डेकोर पीस बन गया। उसके अलावा आपके घर में कुछ पुराना टूटा हुआ सामान होगा, या मे बी एक वुडन का लैम्प होगा, आई एम श्योर आपके मॉम की मैरिज में या मे बी आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने आपको कुछ गिफ्ट किया होगा, तो वो वाला सब सामान निकाल दीजिए, ट्रंक्स में से निकाल दीजिए, पुराने ट्रंक्स को निकाल दीजिए, वो सब कुछ उठा के आप अपने घर में लगा सकते हैं। यही इसका बेस्ट पार्ट है, घर का कुछ भी सामान उस फील का पार्ट बन सकता है अगर आप वो स्पेसिफिकली अच्छे से यूज़ करें। अगर आपको स्टाइल करना नहीं आ रहा है, नो वरीज, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने अपने वर्चुअल डिज़ाइनर का लिंक डाला है, ये हमारी एक सर्विस है जो हमने रिसेंटली शुरू करी है। वी विल हेल्प यू डिज़ाइन, वेदर यू आर इन हैदराबाद, वेदर इन यूर बैंगलोर और इन लंडन और इन सैन फ्रांसिस्को, वेर एवर यू आर, आई एम गिविंग यू माई वर्ड्स, माई डिज़ाइनर्स विल हेल्प यू क्रिएट अ ब्यूटिफुल होम। उस सर्विस को आप अवेल कर सकते हैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से। माई सेकेंड लास्ट पॉइंट फॉर द बोहेमियन स्टाइल इज प्लांट्स। प्लांट्स प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सेटिंग अप दिस स्टाइल। आपके इंडोर प्लांट्स, आपको अपनी एक अच्छी सी गार्डन शॉप पे जाना है आपके घर के आसपास, और वहाँ से उनको बोलिए आप इंडोर प्लांट्स ले लीजिए। वो इंडोर प्लांट्स को, अब चाहे वो स्नेक प्लांट के फॉर्मेट में हो, मे बी कोई और इंडोर प्लांट हो, छोटा वास हो या बड़ा वास हो, आप अपने घर में यूज़ कर सकते हैं। एक अच्छे सा रग, हैंडमेड जो भी मैं बात कर रहा था, वो लगा दीजिएगा दीवार पे, और ज़मीन पे उसके आगे एक गार्डन का एलिमेंट डाल दीजिएगा। आप पूछ रहे हो कि घर में, यस, घर में भी आप लगा सकते हो, अंदर भी, बालकनी को तो जो डेकोर करना करना, बट घर के अंदर भी ये फील को क्रिएट किया जा सकता है। माय लास्ट पॉइंट फॉर टुडे इन दिस स्टाइल इज गो विद वॉलपेपर्स। आप अपने घर में एक स्ट्रॉन्ग बोल्ड पैटर्न के वॉलपेपर्स को यूज कर सकते हैं। सो आप समझ लीजिए प्लीज, पहले जो मैं स्टाइल्स की बात कर रहा था वो अनक्लटर करने के लिए था, जिसमें खुला खुला करना था, यहाँ घर को भरना है। जितना ज़्यादा सामान घर में होगा उतना ही ज़्यादा बोहेमियन की तरफ बढ़ रहा होगा। तो मेक श्योर यू हैव अ स्ट्रॉन्ग बोल्डेड पैटर्न, और मे बी एक अच्छा सा वॉलपेपर एंट्रेंस पे लगा दीजिएगा, विच इज़ सम स्ट्रॉन्ग चेकर्ड पैटर्न्स, या कुछ भी कर दीजिए इस घर में। अगर आपने ठान लिया आपको बोहेमियन बनाना है तो आप बना पाएंगे, तो उसकी कंटेंट और उसकी फील बिल्कुल बोहेमियन बन जाएगी। सो गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ये मेरा एक बहुत ही टिपिकल वीडियो नहीं था, इसके अंदर मैं आई वॉज मोर एक्साइटेड अबाउट द स्टाइल एंड आई होप यू आर टू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब बटन पे ज़रूर क्लिक करिएगा, डू नॉट फॉरगेट द बेल नोटिफिकेशन आइकन देयर। मैं बहुत सारे वीडियोस आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, एंड आई वॉन्ट यू टू लर्न एवरीथिंग वॉट एवर आई नो। गाइज, आई वर्क सो हार्ड जस्ट टू मेक श्योर यू गाइज नो वॉट आई नो। थैंक यू सो मच।